तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 को वर्णन करते हुए यहाँ पे इस प्रकार से अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए ये बता रहा है। पिछले श्लोक में वर्णन किया गया जब इस योग अभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो गया या शुद्ध हो जाए, किससे मन शुद्ध हो जाएगा? योग अभ्यास जो विधि कपिल मुनि ने हमें बताया है, बता चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा? जब शुद्ध हो जाए मन, तो मनुष्य को चाहिए कि अर्ध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करें। ये विधि, उससे क्या होगा? भगवान के स्वरूप को देखा जा सकता है या भगवान के स्वरूप को इस प्रकार देखेंगे। ये विधि बताई गई कि किस प्रकार से हम भगवान को देखें। जब मन शुद्ध हो जाता है अनेक क्रियाओं के द्वारा, तो हम भगवान को स्वरूप को देख सकते। श्री प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि यहां स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। अभी यहाँ पे विष्णु के अंश जो ये ध्यान बताया गया है वे विष्णु के अंश। कष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश के अंश का सूचक है। तो विष्णु का अंश मतलब क्या है? यहाँ पे परमात्मा विष्णु के अंश का अंश जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित। काष्ठा भागवतो, भागवत मतलब भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से ये बात जो है क्लियर होनी चाहिए और प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि परमेश्वर तो कृष्ण है, उनके पहला अवतार कौन है? बलराम या बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आता है। पुरुष अवतार कौन से है? तो बलराम से लेकर पुरुष अवतार सब आते हैं। ये जानना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं है कि अंशों के अंश है पुरुष अवतार। कौन से है पुरुष अवतार, कौन जानता? ये सुधरंगा माता जी, कर्णोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु। कौन से है परमात्मा?
क्षीरोदक्षाय। तो बलराम से भगवान जो है पूर्ण पुरुष, यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है वो परमात्मा मतलब शिरोदक्षय विष्णु जो हमारे हृदय में स्थित है। जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, पुरुष चरणम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है और परमात्मा का वर्णन अगले श्लोक में किया जाए, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, परमात्मा के का वर्णन किया जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप को देखें, अपने मन जब शुद्ध हो जाता है तो कैसे दिखेंगे भगवान, ये भी बताया जा रहा है। तो आज के श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है भगवान के स्वरूप का। शून्य नहीं, शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। भगवान मन को भगवान के संपूर्ण रूप में एकाग्र करना चाहिए। निराकार तो यहाँ पे भगवान का सगुण रूप का वर्णन किया। अगर उनका सगुण रूप न होता तो कपिल मुनि क्यों इतना कष्ट लेके यहाँ पे समझाने जा रहे हैं अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा, जैसे कि मायावाद भाष्य में भगवान का रूप ही नहीं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे भाष्य सुनना नहीं चाहिए, आगे भी हम समझेंगे क्यों। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवान का मुख, मतलब बहुत ही प्रसन्न हंसमुख है और कैसे कमल के समान है भगवान का मुख। मंदिर प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख, अंबोजम, अंबोजम कमल। कैसे पद्म गर्भ, पद्म गर्भ क्या है, उनकी क्षण मतलब उनकी आंखें जो है अरुण लाल, भगवान का मुख जो है प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है। कभी भी भगवान को अगर हम देखते हैं तो वे मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कभी भी जो है भगवान ऐसे मतलब उठते हुए या क्रोधित होते हुए नहीं, उनका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर वे दुष्टों का भी या असुरों का भी वध करते हैं तो कभी भी उनमें क्रोध का एक अंश भी नहीं दिखता, तो उनका मुख प्रसन्न है, कमल के समान है और उनकी लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतर भाग के समान है। तो हम देख सकते कमल, कमल के भीतर भाग, भगवान की
आंखें जैसे कि नेत्र, भगवान के नेत्र एक लाइन है, लाल सुंदर भगवान के नेत्र कहते हैं, जो कमल को इसका वर्णन यहाँ पे कपिल मुनि द्वारा किया जा रहा है। उनका श्यामल शरीर नील कमल, पद्म गर्भ और नील कमल, नील उत्पल, नील कमल के की पंखुड़ियों के समान उनकी शारीरिक क्रांति का नील कमल, नीलोत्पल, नीलोत्पल उनका जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है, नील कमल की पंखुड़ियों के समान वे अपने हाथों में क्या है, शंख चक्र गदा धारण किए हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है परमात्मा लॉर्ड इन द हार्ट सुपर सोल, यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को विष्णु के रूप पर एकाग्र कर किया जाए, विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप है जिनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। तो विष्णु के 12 अनेक अनेक रूप है, जैसे कि विष्णु सब अगर हम जाएं किसी विष्णु मंदिर में तो हर एक जो है एक समान लगते हैं, लेकिन विष्णुओं में भी अनेक अनेक रूप है। कैसे, उनके हाथों में ये जो शंख चक्र गदा वगैरह जो है, तो हम देखेंगे किसी के किसी विष्णु के हाथ में जो है शंख ऊपर के हाथ में, तो कहीं शंख नीचे के हाथ में, या बाई हो रहे हैं या दाई हो रहे हैं, इस प्रकार से इनके प्लेसमेंट, इनके अलग अलग जो विष्णु और उनके अलग अलग नाम है, तो हम पहचान सकते हैं उनके ये जो है चिन्ह है, ये शंख चक्र गदा पद्म जो है उनके हाथों में देख कर हम जान सकते हैं कि ये अनिरुद्ध है, कि ये केशव है, ये गोविंदा है, ये मधुसूदन है, या वामन है, या श्रीधर है, ये अनेक अनेक जो भगवान के नाम है विष्णु रूप के जो यहाँ पे वर्णन किया गया, तो एक जैसे नहीं है सब विष्णु। इसका पूरी तरह से विस्तार रूप से टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य या श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शिक्षामृत में दिया गया है, तो हम जान सकते हैं कि ये गोविंद है, ये जनार्दन है, ये ब्राह्मण है, ये त्रिविक्रम है, कितने कितने अनेक अनेक जो भगवान के रूप है, ये जैसे नहीं है पृथ्वी एक है, लेकिन उनके जो नाम है, तो भगवान का रूप है, जैसे कि भगवान निराकार नहीं है, उनका सगुण रूप है, अपने मन को उनके रूप में एकाग्र करना चाहिए, सगुण रूप में मन को एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुख मंडल प्रसन्न है, जिनको इस लोक में कहा गया। क्योंकि मैं ऐसा अनुभव ही नहीं, जो लोग निराकार
या शून्य ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु के में ध्यान एकाग्र करने की अभ्यास कंफ्यूज Does it? रहते हैं। यू आर फ्रोजन फॉर अ वाइल। यस। यू आर फ्रोजन फॉर अ वाइल। सो यू स्टार्टेड अबाउट इंपर्सनल फॉर्म, वहां से हमने अभी पूरे लिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता है, मन को भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए जिनका मुख मंडल प्रसन्न है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई भाव नहीं है, कैसे मन को भगवान मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान, उनका सुंदर मुखमंडल हमारे ध्यान में हम ला सकते हैं, ऐसे कि शून्य, कुछ भी नहीं, ब्लैंक, ऐसे नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं और भगवद गीता में भी उल्लेख है, हम जानते हैं। और इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है, हमारे मन में ये बातें आ सकती है, संदेह हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने ये पूछा भगवान को, और भगवान ने समय नहीं गवाया, उन्होंने तुरंत कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान अपना मत तेमे युक्ततम मतः, भगवान अपना मत, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत प्रमाण देते हैं कि क्यों हमें निराकार, क्योंकि ये भगवान का कथन है कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना में अंतर्गत और अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं। कठिन है, आगे भगवान कहते क्लेशोधिक क्लेश, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। खेदारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। तो भगवान कहते कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देहदारी कम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे कि ये बात को क्लियर होना चाहिए कि भगवान का रूप है कपिल मुनि, जो स्वयं भगवान है, भी यहाँ पे
वही बात बता रहे कि भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के सुंदर रूप के ऊपर हमें ध्यान करना होगा। प्रभा जी आगे कहते हैं कि यहां पर भगवान कृष्ण का रंग नीलोत्पल, नीलोत्पल दल के समान बताया, जिनका अर्थ है कि यह उन कमल पुष्प के समान है जिनकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत है। भगवान के रंग, भगवान की शारीरिक कांति का वर्णन किया गया है भगवान, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे, भगवान स्वयं हमें नहीं बताएंगे, जैसे कि स्वयं भगवान कपिल मुनि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का, नहीं तो कुछ भी हम सोचेंगे, कुछ भी भगवान, किसी को भी भगवान, परमात्मा डायरेक्ट स्ट्रेट बताया गया कि ऐसा है, प्रसन्न है, नीलोत्पल दल उनका जो शारीरिक रंग है। लोग प्राय पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम क्यों है, ये प्रश्न उठाता है कि नहीं? बहुत बहुत सारी चीजें मिल जाती है, खास करके आजकल गूगल में करो कि वाई इज कृष्णा ब्लू, पर यहाँ पे रंग जो मन वर्णन किया गया है कि भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्र में हुआ है, वो वेरी क्लियर है। यहाँ पे कपिल मुनि कहते हैं नीलोत्पल श्याम, पर बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े स्कॉलर जो है वो क्या करते हैं, वे काल्पनिक रूप से अपनी कल्पना से जो क्या करते हैं, भगवान के रंग का वर्णन करते हैं। तो वैदिक शास्त्र में बताया गया कि ब्लू है, ओके श्यामल रंग, तो ये श्यामल रंग, तो ये अपना अपना मन से बताते हैं, उसको गौण वृत्ति कहते हैं, गौण वृत्ति, जैसे कि मायावादी और ये बड़े बड़े दार्शनिक और सब लोग वही मानते हैं, हाँ इसकी वजह से, उसके वजह से, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से चर्चा कर रहे थे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि बहुत अच्छा है आप जो है आप नाच रहे हैं, भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, पर आप वेदांत सूत्र को पढ़ना चाहिए, वेदांत को पढ़ो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह असली बात तो ये है कि हम वेदांत पढ़ रहे, आप जो पढ़ रहे हैं वे शंकराचार्य द्वारा जो अपने मन ने दिया, अपने जो कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये गौण वृत्ति बताई गई है, और ये वेद के जो शब्द है उनके गौण वृत्ति के रूप में, गौण वृत्ति को जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन मुख्य वृत्ति नहीं है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावाद भाष्य सुनियो सर्व सर्वनाश,
अगर हम मायावाद, इसीलिए मायावाद भाष्य नहीं सुनने चाहिए, मायावाद शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो हमारा जो है क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट। जैसे कि उदाहरण है कुरुक्षेत्र, जैसे कि कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र खास करके जो निरुक्ति कोश है, निरुक्ति कोश में कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया कि ये एक धर्म स्थल, कुरुक्षेत्र जो धर्म स्थल है जहां पे लोग जाकर अपना यात्रा करके, यात्री आके वहां पे पूजा करते हैं, बहुत दिव्य स्थान है जहां पे यज्ञ होता है, जहां पे देवता भी आकर वहां पे यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण, यहाँ पे शास्त्र का प्रमाण दिया जा रहा है कि भगवान की शरीर नीलोत्पल है, ये शास्त्र यहाँ पे बताया गया। इसमें और तर्क वितर्क करके अपना जो ये, इसको कहते हैं गौण वृत्ति प्रदान, मुख्य वृत्ति यही है कि भगवान की रंग जो है, तो इससे मुख्य वृत्ति क्या है, कुरुक्षेत्र एक जगह है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एक धाम है, पर वे क्या कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र जो है ये शरीर है, ये शरीर बॉडी कुरुक्षेत्र, दिस बॉडी इज कुरुक्षेत्र। तो कहां पे बताया गया, कोई भी शास्त्र में बताया गया है कि ये कुरुक्षेत्र ये शरीर है? तो जैसे दिस कुरुक्षेत्र मीन्स दिस बॉडी, तो अपना ही जो ये गौण वृत्ति कहते हैं, अप्लाइंग सम एलिगोरिकल मीनिंग्स टू द वर्ड्स ऑफ द शास्त्र कुरुक्षेत्र। और बहुत लोग अपने देश में बिलीव करते हैं, हम यस कुरुक्षेत्र तो यही है, शरीर ही है। पांडव, अगर पांडव को देखेंगे डिक्शनरी में, सिर्फ पांडव कौन है, पांच पांडव जो है उनके पिता है, उनके सलाने फलाने के पिता है, उन राजकुमार है, या उनका वाला पूरा जो है उनका डिस्क्रिप्शन। तो पांडव कुरुक्षेत्र ये शरीर है, पांच पांडव कौन है, ये पांच इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से पांडव को पांच इंद्रियां बना दे, ये गौण है। तो महाभारत हम सब जानते हैं, महाभारत ये सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ है, ऐसा महान युद्ध कभी नहीं हुआ है। तो कहते हैं महाभारत हमारे अंदर है, जो हमारा बुरा और अच्छी चीज के बीच में जो युद्ध है ये हमारे अंदर, इट इज द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल विद इन अस, दिस इज महाभारत। कुरुक्षेत्र इज द बॉडी, फाइव पांडव सेंसेस, ये सब मायावाद, कौन। तो भगवान नीले श्याम रंग है, क्योंकि जो कुछ भी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, जैसे कि आकाश का अंत नहीं है तो आकाश नीला है, समुद्र का कोई अंत नहीं है इसके लिए समुद्र नीला है, इसीलिए भगवान जिनका नाम कृष्ण है उनका कोई अंत नहीं है इसके लिए नीले। तो ये ऐसी ऐसी सब बातें जो है वो अपने ढंग से अपने, और बड़े बड़े जो दार्शनिक है, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है इस प्रकार से
शास्त्र यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, इसका वर्णन प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है कि भगवान के बिना भगवान ऐसे विलुप्त हो रहे। That's it, simple. Don't say, oh, blue because of this, blue because of that, blue because of this. इतने सारे blue, blue, blue की एकदम blue में हो जाते हैं. Everybody becomes blue. And then blue. So ये है. अपना अपना ज्ञान दिखाने के लिए यहाँ पे कपिल मुनि जो स्वयं भगवान है भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और हम अपने कल्पना से कुछ ना कुछ जो है भगवान का रंग भगवान का कितना प्रमाण है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल के से की गई है। असिता अंबुदा असितंबूद सुंदरां कंदर्प कोऽपि कमनीय विशेष अरविंद दलायताक्ष अरविंद इस प्रकार से वर्णन किया गया है शास्त्र। मुख्य वृत्ति को छोड़कर कौन वृत्ति में इंटरेस्ट रखते और इसीलिए ये बात क्लियर होना जरूरी है। डोंट गो फॉर दिस गॉन वृत्ति। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हमें शास्त्रों का प्रमाण से भगवान को समझना चाहिए, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे ही कह रहे कि मायावाद भाष्य सुनिए बोल लो सर्वनाश, नहीं सुनना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण की शरीर की तुलना नील श्याम बादल से की गई है। भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, ये ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर उनके आयुधों तथा अन्य रा साज के विषय में ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं, पर पुराणों को पढ़ना नहीं है, प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, ये फील गुड के लिए ये सब प्रस्तुति, उससे हम जो है हमारा ध्यान, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़े, कि भगवान के जो मुखमंडल भगवान की ने भगवान के नेत्र भगवान की शारीरिक कांति भगवान की कार्यकलाप के ऊपर अगर ध्यान करना है तो हमें प्रामाणिक शास्त्रों की ओर से समझना चाहिए। स्वयं भगवान से समझना चाहिए, नहीं तो हम जो है हम कहीं और मार्ग में जा रहे और हमारी सफलता नहीं होगी इस मानव जीवन की सफलता हम नहीं पाएंगे। डोंट गो फॉर दिस इंटरनेट, डोंट गो। इसीलिए हम बार बार किया जा रहा है कि असत्संग, असत्संग यही है इंस्टा व्हाट्सएप यूट्यूब सोशल मीडिया इन वन वर्ड। रीड द शास्त्र, शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में जो प्रमाण दिया गया उसको पढ़ो, उसको ढूंढो, उसमें नहीं ढूंढो इंटरनेट में। व्हाई इज आई वांट टू नो व्हाई ब्लू, अरे ब्लू इज हियर वेरी क्लियरली मेंशन, हाउ ही इज, हाउ इज दिस ब्लू कलर,
शास्त्र में बताया गया, लेकिन शास्त्र पढ़ते नहीं या शास्त्र नहीं पढ़ना है, इसके वजह से। और ऐसे बहुत लोग खड़े हो जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भा निक्षणम, इतना सुंदर शब्द है, इतना सुंदर, भगवान इतने महान है। भगवान दोष उत्तम श्लोक, उनको उत्तम शब्दों से उनका वर्णन किया जाए, इससे उत्तम कितना सुंदर शब्द है जिसकी भगवान का वर्णन किया, कि इसको सुनने से। आज इतने सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया, क्यों किया? श्लोक दोहराने के लिए, क्योंकि इतने सुंदर ये शब्द है आज के श्लोक, इतना सुंदर वर्णन, प्रसन्न वदनम बोध पद्म गर्भा निक्षण नीलोत्पल धन श्याम शंख चक्र गदाधरम। ये सुंदरता है, इसको सुनने से ही हम पवित्र हो जाते, और क्या चाहिए? ब्लू स्काई ब्लू ओशन पवित्र करेगा? चीजों के साथ तुलना की जा रही है, ये जो है भगवान की महिमा को नीचे, उनके नेत्र कमल कोश के समान है, और अपने चारों भुजाओं में वे चार चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म धारण कर, यही हमारा ध्यान आज के सुंदर श्लोक में वर्णन किया गया है। एक शब्द भी अगर हम, और कैसे, और इन सब जो आगे जो है कपिल मुनि और भी देखते हैं कि भगवान के सुंदर मुखल मुख कमल के दर्शन करने से क्या परिवर्तन हमारे अंदर आ जाता है, भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने से क्या परिवर्तन आ जा रहा है, किस विधि से हमें भगवान के दर्शन को करना चाहिए, ये सब बताया गया। और एक एक करके हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर विभाग है। हमने बहुत बहुत हैवी हैवी बहुत ही हैवी फिलॉसफी को सुना है अभी, ना सुंदर भाग के कपिल मुनि हमें लेके आ रहे हैं, जिससे हमारा, हम भक्तों का हृदय आनंद से भर जाए। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।